इस वक्त हम सागर के गड़ाकोटा में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ दुल्हे दुल्हन जो नए कपल्स हैं, नवविवाहित हैं, जिनकी शादी हो रही है। एक मेला कह सकते हैं आप, इसमें हजार से ज्यादा, आप कल्पना कर सकते हैं, हजार से ज्यादा जोड़े हैं। ये जो आयोजन है यहाँ, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी हैं, लगातार 19 सालों से करवाते आ रहे हैं, इस बार इस मेले में क्या खास है? आपको बता दें कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है, क्या इसकी खासियत है? मंत्री जी, इस बार मेले में क्या खासियत है, जो आयोजन हो रहा है विवाह सम्मेलन, तो इसमें क्या विशेष? वैसे तो हर मेले हमारा जो आयोजन होता है 19 वर्षों से हो रहा है, ये 19वां कार्यक्रम है। दो वर्ष हमारे बीच में जो कोविड के कारण संभव नहीं हो पाया, लेकिन हर बार हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने पूरा क्षेत्र भोज, जिसको हम लोग बुंदेलखंड में ब्योहारी पंगत कहते हैं, तो लगभग 1 लाख लोगों के लिए आमंत्रित किया है सहभोज के लिए। सामान्यतः जब शादियाँ होती हैं तो उसके बाद भोज का भी होता है, तो कुल मिला के अनेकों प्रकार के आयोजन हैं। विभिन्न प्रकार के 111 वेदियाँ बनाई गई हैं, जिन पे लगातार भावर का कार्यक्रम, दाम्पत्य जीवन का जो शुरुआत का है वो तो कार्यक्रम हो रहा है। आमतौर पर जो दूसरे आयोजन हुए उनमें कुछ 100-200 जोड़े होते हैं, इतने सारे दुल्हा दुल्हन कैसे मैनेज करते तुम? क्या है, जब मन, आत्मा और एक जिद जब जुड़ जाती है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि मेरा कुछ नहीं है, लोगों का। ये जो शादियाँ हम 2001 से करते हैं, इनके प्रति एक ऐसा विश्वास का भाव है कि जो कुछ भी हम गिफ्ट देंगे, जो भी उपहार देंगे, वो तो देंगे ही, लेकिन इनके लिए वो स्वागत सत्कार मिलेगा जो कि एक बड़े घर में, गले घराने में या मध्यम वर्गीय परिवार में जो उनके लिए रिस्पांस मिलता है, रिस्पांस बहुत बड़ी बात है। और सारे लोग आते हैं, राजनीतिक लोग भी आते हैं, सामाजिक लोग भी आते हैं, अपने आप में एक अद्भुत है पूरे प्रदेश में, नहीं देश में। पिता की तरह ये जो जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, कन्यादान भी लेते हैं, शादी के बाद भी जोड़े इनके पास घरेलू समस्याएं लेकर और एक पिता तुल्य मानकर उन्हें उनके पास आते हैं। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है एक सामाजिक समरसता का एक माध्यम है। इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं कि 1000 जोड़े जो हैं एक साथ बैठ के एक मंडप में, जो सभी जाति के हैं, सभी वर्ग के हैं, सभी समुदाय के हैं, वो एक साथ एक जगह बैठकर शादी विवाह करते हैं। इससे एक नया भारत, जो श्रेष्ठ भारत है, जो भारत की कल्पना हमेशा से की गई है, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जो संविधान कहता है, उस तरह का भारत यहाँ गड़ाकोटा में देखने को मिलता है। बंसल न्यूज़ के लिए सागर से मनीष तिवारी।